हम नहीं चाहते इतने बड़े प्लेयर के आंखों में कभी आंसू आए। विराट कोहली के आंसू मैंने देखे हैं जब वो ट्रॉफी पकड़ के ना तेंदुलकर के पास से गुजरा है। पर विराट कोहली हमारे पास एक जैम है, पूरी दुनिया के पास, सिर्फ इंडिया के पास नहीं पूरी दुनिया का वो जैम है। वो मोस्ट लविंग पर्सन है। खड़ा हुआ था, दौड़ा था, उसके बाद अनुष्का को जब उसने हक किया यार के स्पेशली उस चीज को। विराट कोहली जैसा प्लेयर ना मैं कहता हूँ कि आने वाली जनरेशन को मुझे नहीं लगता आगे 20-30 साल को भी ना ऐसा कोई प्लेयर उनको देखने को मिलेगा। वर्ल्ड कप चाहे नहीं जीता, ठीक है, जो दिलों पे राज कर गया ना ये सारे प्लेयर्स जीता। इंडिया हमारी तरफ से वर्ल्ड कप जीत गया हुआ है, वेल डन। अरे हमने अगर वर्ल्ड कप देखा है तो बस विराट कोहली के लिए देखा है भाई। टोटल विराट कोहली की बैटिंग का वेट करते थे, कब उनकी बैटिंग आएगी और हम उसको एंजॉय करेंगे। अगर मैच फिक्स करता इंडिया ट्रॉफी अपने पास ना रखता, हर पाकिस्तानी ये कह रहा था यार मेरे आंखों में अभी भी आंसू आ रहे हैं। पर कैसे बंदा डिस्क्राइब इतनी पब्लिक के अंदर, लाइक लिविंग लेजेंड है यार विराट। यकीन माने आपसे इतना प्यार है कि जब कभी भी हमें इंडिया आने का मौका मिला आगे आपको जब फिट डाली है जोर वाली। विराट कोहली इस एरा का नंबर वन प्लेयर है, गोट है, और उसने वर्ल्ड कप जीता ना हो जीता लेकिन हमारा दिल जीत लिया विराट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे? दुखी हूँ फिलहाल क्योंकि कल से विराट कोहली को रोता हुआ देखा तो दुखी दुख नजर आ रहे हैं। सर टीयर्स इन आईज एंड ट्रॉफी इन हैंड, विराट कोहली प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, क्या कहेंगे? डिजर्व करता था, जैसे फर्स्ट मैच से लेके लास्ट मैच तक एंड फाइनल तक जिस तरह खेला ना वो डिजर्व करता था। इंडिया चाहे वर्ल्ड कप नहीं जीता, ट्रॉफी चाहे ऑस्ट्रेलिया ले गया, बट जो इंडिया टीम दिलों पे राज कर गया ना वो कभी भी कोई भी टीम नहीं कर पाएगी। यार विराट कोहली को देखेंगे, जैसे हमने फाइनल देखा है ना तो विराट कोहली के जैसे हमने शोल्डर डाउन देखे ना, अभी मेरे ख्याल में 100 कोई रन हुआ था तो उनके शोल्डर्स बिल्कुल डाउन थे। विराट कोहली का यार ये रूप देख के ना कसम से रोना आ गया। मतलब कि विराट कोहली जैसा प्लेयर भाई, विराट कोहली जैसे प्लेयर्स की ऐसी ऐसे देखना, ऐसे लग रहा था कि जैसे ना देखो एक होता है ना कि जैसे ऑस्ट्रेलिया फाइनल में आया था, ऑस्ट्रेलिया अगर फाइनल हार भी जाता ना तो मेरे ख्याल में ऑस्ट्रेलिया वालों को दुख नहीं होता था क्योंकि वो रगड़ के पहुंचा था घुटने टेक डे के ना। लेकिन इंडिया वाले जैसे फाइनल में पहुंचे थे एक स्ट्रीक बना के, और स्ट्रीक भी अच्छी तगड़ी बना के, तो इंडिया वालों के यार वन साइडेड मैं कहता हूँ कि इंडिया वालों के लिए ना मुझे नहीं पता कि इंडिया ने हमने कैसे वो बर्दाश्त किया, वो कैसे किया, लेकिन हार जीत मैच का हिस्सा होती है। लेकिन अगर विराट कोहली के फैंस की बात करें तो हम एज ए पाकिस्तानी, हालांकि वो इंडियन प्लेयर है, हम एज ए पाकिस्तानी यार हमें रोना आ गया था उनकी परफॉर्मेंस देख के। तो इंडिया वालों का यार हम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि उनको कितना दुख हुआ होगा। 10x10 मैच अपने नाम कर चुके थे, हार जीत होती रहती है, बट उसमें जितने भी प्लेयर्स थे सारों ने बहुत ज्यादा कहने के 100% पुट किया, चाहे आप रोहित शर्मा से लेकर उनके एंड तक जो बॉलर है उनका देख लें। तो जो विराट कोहली को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट दिया गया है एक बहुत अच्छी बात है। आई थिंक तो कुछ लोग सेटिस्फाइड नहीं है इस चीज से, बिकॉज दे आर थिंकिंग कल का मैच तो वो जितवा नहीं पाए हैं, ये नहीं कर पाए, वो नहीं कर पाए, बट आप उसकी पिछली परफॉर्मेंस देखिए जिसकी बेसिस पर उसको दिया गया है। उसने इतने रिकॉर्ड्स बनाए हैं, कभी सचिन का रिकॉर्ड ब्रॉक कर रहा है, कभी 50 सेंचुरी बना रहा है, कभी 50 करके जा रहा है, मतलब इज अ लेवल, एक लेजेंडरी प्लेयर है वो, तो किस तरह कोई कह सकता है कि भाई हम उसने अच्छा नहीं परफॉर्म किया, ये नहीं किया, एक वर्ल्ड कप नहीं जितवा पाया, तो मैं समझती हूं कि जो आवाम है टोटली सिक हो चुकी है। ये तो ऑब्वियसली बात है, हर प्लेयर्स के ख्वाब होता है वर्ल्ड कप जीतना अपनी प्रेजेंस में, और एक तो मैन ऑफ द टूर्नामेंट, और ऊपर से हर बैच में परफॉर्म करना और इतने बड़े मंच पे परफॉर्म करना, सेमीफाइनल में आके सेंचुरी मारना और उसके बाद फाइनल में 50 स्कोर करना, और जैसे कि वर्ल्ड कप तो हाथों से चला गया पर विराट कोहली पे हम जेन्युइन अफसोस हुआ, और कुछ चीज इंडिया हार गई हमें खुशी हुई वो अलग बात है, पर विराट कोहली का जब हमने जब वो सेरेमनी में जा रहे थे तो जब वो अवार्ड अपना रिसीव कर रहे थे तो जो उनकी एक्सप्रेशन थे, जो उनके आंखों में आंसू थे, तो हमें बड़ा दुख हुआ उसको देख के, क्योंकि हम नहीं चाहते इतने बड़े प्लेयर के आंखों में कभी आंसू आए। बिल्कुल ऐसे ही सर, आप कैसे देखते हैं इस चीज को, एक लेजेंड इस तरह से जब खड़ा था, ट्रॉफी थी हाथ में, आंखों में आंसू थे, कैसे देखा आपने इस चीज? जी बिल्कुल बुरा फील हुआ क्योंकि विराट कोहली ने थ्रू आउट द टूर्नामेंट बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है, हर मैच में उसने 300 भी बनाया, इंडिविजुअल स्कोर भी हाईएस्ट था, और सचिन तेंदुलकर की 50 सेंचुरी वाला उसने रिकॉर्ड तोड़ा है, तो विराट कोहली वाकई डिजर्व करता था वर्ल्ड कप जीतना, लेकिन ये अनलकी थी। ऑन डे क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने अच्छी खेली है, लेकिन फिर भी कोहली डिजर्व करता था कि वर्ल्ड कप उसका जाए, उसकी जो देखा उसको प्रेजेंटेशन पर, तो वाकई हमारा भी दिल दुखा पाकिस्तानियों का जिस तरीके से उसने परफॉर्म किया। एंजॉय की तो आप बात ही ना करें भाई, एंजॉय किया, एंजॉय की तो आप बात ही ना करें। हमने अगर वर्ल्ड कप देखा है तो बस विराट कोहली के लिए देखा है भाई। टोटल विराट कोहली की बैटिंग का वेट करते थे, कब उनकी बैटिंग आएगी और हम उसको एंजॉय करेंगे, एंजॉय हमने इस हद तक किया। सेकेंडली अगर उनकी आपने खुशी की बात की है तो मुझे बताएं कि वो यार खुश कैसे हूँ, अगर उनका लास्ट ये वर्ल्ड कप था, अगर मैं भी विराट कोहली विन कर जाते, अगर ये फाइनल विन हो जाता तो ये वर्ल्ड कप ना विराट कोहली के नाम से जाना जाता है। लेकिन 2023 का फाइनल, मैं अभी भी कह रहा हूँ 2023 का फाइनल है, ये ऑस्ट्रेलिया के नाम से नहीं याद रखा जाएगा, ये विराट कोहली के नाम से याद रखा जाएगा, ये अभी भी मैं कह रहा हूँ। बेशक उनकी परफॉर्म नहीं हुई उस लेवल से, लेकिन नाम वो विराट कोहली के नाम से रखा जाएगा यार।
आउटस्टैंडिंग बैटिंग, आउटस्टैंडिंग बॉलिंग, आउटस्टैंडिंग फील्डिंग एंड उसके बाद मैनेजमेंट उनकी, ईच एंड एवरीथिंग आउटस्टैंडिंग। यार देखो, इंडिया ये वर्ल्ड कप जन्म डिजर्व करता था। पूरे पाकिस्तान को उम्मीद थी यार कप गौरव पास नहीं जाने देना। मैंने बड़ी प्लानिंग की हुई थी विराट कोहली को लेके, मैंने, मेरे पास घर बैनर भी पड़ा हुआ है विराट कोहली का, बड़ा कुछ प्लान किया हुआ था यार। मैंने एक्चुअली में जो जो पाकिस्तानी कहते हैं कि इंडिया मैच फिक्स करता रहा, उन सबके मुंह पे चपेड़ा है कि ये अगर मैच फिक्स करता इंडिया ट्रॉफी अपने पास ना रखता। हर पाकिस्तानी ये कह रहा था यार इंडिया ने ट्रॉफी घर से बाहर नहीं जाने देनी, ये है वो है, 10 के 10 मैच जीत गया, 11वां मैच भी जीत जाएगा, सारा प्लान है, प्री प्लान है, कुछ भी नहीं है यार। अगर अपने 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 गिरेबान देख ले सारे पाकिस्तानी पहले कि हमने वर्ल्ड कप के अंदर क्या किया इंडिया को कुछ कहने से पहले। विराट कोहली के आंसू मैंने देखे हैं जब वो ट्रॉफी पकड़ के ना तेंदुलकर के पास से गुजरा है, उसे बाद में याद आया यार गॉड ऑफ क्रिकेट मेरे सामने खड़ा हुआ है, उसने इशारा किया तेंदुलकर को, तेंदुलकर ने भी कहा यार ठीक है इमोशंस है। अब हमें नहीं पता यार ड्रेसिंग रूम के अंदर विराट कोहली जाके कितना रोया होगा। मैं कल रात 5 बजे तक सिर्फ और सिर्फ स्क्रोलिंग करके यूट्यूब फेसबुक ट्विटर पर देखता रहा यार विराट कोहली किस हाल में होगा यार, बेचारा कैसे कर रहा होगा। अब हमें नहीं पता कि शायद विराट कोहली का आखिरी वर्ल्ड कप है या नहीं है, पर जिस तरीके से वो परफॉर्म कर गया ना वर्ल्ड कप के अंदर यार आउटस्टैंडिंग छा गया यार। यार विराट कोहली की तो हम जिस इवेंट में भी विराट कोहली परफॉर्म करते हैं हम वो इवेंट बड़े शौक से देखते हैं, चाहे वो IPL हो, चाहे वो कोई भी मतलब लोकल सीरीज हो या कुछ भी हो, तो विराट कोहली जहाँ परफॉर्म कर रहे होते तो हम तो बड़े शौक से देखते हैं। पर विराट कोहली को हम चाहते हैं कि अगले वर्ल्ड कप में, क्योंकि जिस तरह उनकी फिटनेस है, जिस तरह वो पैशन से क्रिकेट खेलते हैं, तो हम तो चाहते हैं चलो वर्ल्ड कप ना खेल ले, जो 2 साल बाद चैंपियन ट्रॉफी आ रही है पाकिस्तान में, वो तो कम अज़ कम खेल के जाए ताकि हम उसे लाइव परफॉर्म करता हुआ देखें। इससे बड़ी ख्वाहिश तो हमारी और कुछ है ही नहीं क्रिकेट में। आपको अप्रिशिएट करना चाहिए बिकॉज हम समझते हैं कि एक जो प्लेयर होता है उसके ऊपर अप्स एंड डाउन चलते रहते हैं, बट दैट डजंट मीन कि आप एट द मोमेंट जाके अगर एक मैच हार गया तब उसे कहें ओ गॉड ये क्या हो गया, हमने इसको इतना कुछ बनाया, हमने इसको लेजेंड कहा, हमने इसको गॉड कहा, लेकिन जब जरूरत पड़ी तो ये चला नहीं है। बाकी मैचेस में आप उसकी परफॉर्मेंस देखें, ही प्लेड वेल, तो मैं समझती हूँ कि अप्रिसिएशन बनती है। एंड सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो रोहित शर्मा के बैक एंड पे जो बैक बोन रहा है वो विराट कोहली हमें नजर आया, और उसने हर मोमेंट पे रोहित शर्मा को सपोर्ट किया, ये सबसे बड़ी बात है। एज अ पाकिस्तानी फैन मैं यही कह रहा हूँ कि वर्ल्ड कप चाहे नहीं जीता, ठीक है, जो दिलों पर राज कर गए ना ये सारे प्लेयर्स, स्पेशली विराट कोहली, सेकेंडली रोहित शर्मा, ठीक है, ये दोनों बंदे जो जिस तरह राज कर गए ना, कभी भी कोई भी टीम, हम एज अ पाकिस्तानी अलग में मुझे चाहिए पाकिस्तान टीम को सपोर्ट करना चाहिए। मैं 1999 के बाद तब मैं करता था पाकिस्तान टीम को, अब तो मैं बिल्कुल भी, मैं पाकिस्तान टीम अगर वर्ल्ड कप में गई भी थी ना कभी उम्मीद है मैं बस चली गई, अच्छा मैच और यकीन माने मैंने एक भी मैच पाकिस्तान का नहीं देखा कि पाकिस्तान, मैं इंडिया का जिस मैच होता था मैं सब कुछ काम छोड़ के इंडिया का मैच देखने, ठीक है ना, सिर्फ इंडिया के, सिर्फ विराट कोहली रोहित शर्मा की बैटिंग देखने के लिए। बट जो भी है, जो भी हुआ, बट डिज़र्व करता था जो भी है, बट किस्मत ने थोड़ा साथ नहीं दिया। बट थोड़ा सा मैं ना एक चीज़ कहूँगा कि विराट कोहली, रोहित शर्मा और केएल राहुल, इन्होंने कल तीनों ने अपनी जान लगा दी है, और यार इंडियन पूरी टीम ने जान लगाई है यार, 10 में 10 मैच जितना किसी यार एक चीज खलाई दा बड़ा नहीं है, 10 में 10 मैच जीत प्लीज नो डाउट। यार विराट कोहली ऐसा प्लेयर है ना, जो मैं कहता हूँ कि मैं कहता हूँ ऑल वर्ल्ड में कोई ऐसा प्लेयर नहीं है। विराट कोहली का ना एक अलग लेवल था, जब वो ना कैप्टन था तब उसकी परफॉर्मेंस गई, उसने कैप्टनसी लीव की, अब उसकी ना आप उसकी परफॉर्मेंस का इधर से अंदाजा लगा लें। अगर रोहित शर्मा ने कोई रिव्यू भी लेना होता था ना तो पहले ऐसे विराट कोहली की तरफ देखता था, विराट कोहली ऐसे करते थे वो लेते, विराट कोहली ऐसे करते थे वो नहीं लेते थे भाई। और बॉलिंग पे बात करूं तो बॉलिंग आउटस्टैंडिंग थी, उन्होंने जान लगा दी थी, बट फिर भी इंडिया वर्ल्ड कप नहीं जीता, ये सारों के दिलों में राज कर गया। यार विराट कोहली की मैं सबसे पहले, मेरी ये उम्मीद है कि विराट कोहली अच्छी सी सेंचुरीज मारे, और जो उसकी 100th सेंचुरी होगी ना तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ने वाली, 2025 चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में होनी है ना, हमारी नज़रों के सामने मारे और पाकिस्तान को भी मारे, लाइक हम फिर भी अप्रिशिएट करेंगे। इतना विराट कोहली यार लेजेंड बंदा है, उसने वर्ल्ड कप के अंदर जिस तरीके से अपनी टीम को जिताया, लास्ट आपने देखा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जब मैच था, इंडिया के 2 स्कोर पे 3 आउट हो गए, पर विराट कोहली खड़ा हुआ, उसने कहा यार टेंशन ना लो कोहली है, अकेला खड़ा हुआ 2 स्कोर पे 3 आउट है, और केएल राहुल को बोला यार तू इजी हो, मैं विकेट नहीं गिरने दूंगा, और ऑस्ट्रेलिया को मैच हराया। ऐसा ही है लाइक वो परफॉर्मेंस, उसके बाद से लेके वर्ल्ड कप के अंदर विराट कोहली ने जो मोस्ट सेंचुरीज की, प्लेयर ऑफ टूर्नामेंट बना है, और जो राहुल द्रविड ने ड्रेसिंग रूम के अंदर विराट कोहली को बेस्ट फील्डर ऑफ टूर्नामेंट भी दिया कि यार अच्छा फील्डिंग करता रहा है, यार उस बंदे को किस चीज़ की कमी है। लाइक देखे ना इतने बड़े लेजेंड की आंखों में आंसू, मैं सबसे पहले एक दफ़ा रोया था मैं जब क्रिस्टियानो रोनाल्डो का आखिरी वर्ल्ड कप था, हार के वो बाहर जा रहा था, मैं तब रोया था, और मैं कल रात रोया विराट कोहली ने जब लाइक मैच हारने के बाद उनकी आंखों में आंसू थे, यार मेरे आंखों में अभी भी आंसू आ रहे हैं, पर कैसे बंदा डिस्क्राइब इतनी पब्लिक के अंदर, लाइक लिविंग लेजेंड है यार विराट कोहली, छा गया यार। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ज़्यादा बहुत ज़्यादा दुखी हुआ था ना जब वो ग्राउंड में
खड़ा हुआ था, दौड़ा था, उसके बाद अनुष्का को जब उसने हक किया यार, स्पेशली उस चीज को लेके ना मैं इतना ज्यादा उस चीज को हुआ था कि यार वो स्पोर्ट्स मैन है, उसने अपने लिए नहीं खेला, ना अपने लिए रिकॉर्ड किए हैं, किसी के तोड़े हैं, वो टीम के लिए खेला। मैं मेरी नज़र में इंडिया वर्ल्ड कप जीता नहीं है, हारा नहीं है, इंडिया वर्ल्ड कप जीता है। उनके 10 मैचेस ही हमें बता रहे हैं कि इंडिया वर्ल्ड कप जीत गया, उनकी परफॉर्मेंस बता रही है उनका वर्ल्ड कप जीत गया, उनकी पब्लिक जैसे उनको सपोर्ट कर रही है वो बता रही है कि इंडिया वर्ल्ड कप जीता है। हम कौन होते हैं कि यार, बड़े प्लेयर की यही निशानी है जो मतलब इस ऐसी सिचुएशंस में वो अपने आप को काम रखता है। नो डाउट विराट कोहली ने कितने टूर्नामेंट, हाँ वर्ल्ड कप का चैंपियन भी है, एक बार चैंपियन भी बना हुआ है वर्ल्ड कप का, तो उसने ये चीज़ मतलब फील की हुई है। मतलब एक बड़े प्लेयर की मौजूदगी में अगर इंडिया अगर वर्ल्ड कप जीत जाता अगर विराट कोहली के होते हुए, क्योंकि जो विराट कोहली अब तो अरूज था विराट कोहली का, जब विराट कोहली ने पहला वर्ल्ड कप जीता था तो आई थिंक उस वक्त विराट कोहली का मतलब कोई इतना क्रेज ही नहीं था दुनिया में जिस तरह अब था। अगर विराट कोहली जीत जाता तो हाँ, रोहित शर्मा की बात करेंगे तो रोहित शर्मा को तो रिटायरमेंट लेनी चाहिए, पर विराट कोहली हमारे पास एक जैम है, पूरी दुनिया के पास, सिर्फ इंडिया के पास नहीं पूरी दुनिया का वो जैम है। वो मोस्ट लविंग पर्सन है, मतलब इस पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जो किसी को इंसान को प्यार मिलता है वो विराट कोहली है। तो हम चाहते हैं विराट कोहली हमारे ये दो साल है ये खेल ले तकरीबन, क्योंकि हम उसे चैंपियन ट्रॉफी में पाकिस्तान में देख सकें। बिल्कुल, तो जाहिर सी बात है हर किसी के दिल में होते हैं, जब आपने इतनी स्ट्रगल की हो, आपने 4 साल लगा दिए एक टूर्नामेंट के लिए, अपने आप को वेल प्रिपेयर करके आप आए हो, आपने कहा कि नहीं इस बार जो एशिया का कप है, आमिर से वर्ल्ड कप का जो कप था वो इंडिया में ही रहना चाहिए, तो नहीं हुआ, गोरे ले गए। तो आई थिंक सो कि इट्स लाइक ए हर्टिंग मोमेंट होता है हर किसी के लिए, क्योंकि कल रोहित शर्मा भी रोते हुए नजर आए, मैं विराट भी नजर, जैसे सचिन आके उन सारे को दिलासा दे रही थी कोई बात नहीं मैच है होता रहता है इस चीज के अंदर, तो वो खुद जब सेटिस्फाइड नहीं थे, उनको उनके फैंस को भी लगा कि शायद ये सेटिस्फेक्शन हमें भी नहीं हो रही, क्योंकि हमारा एक अच्छा क्रिकेटर या कह लें कि अच्छा प्लेयर इस मोमेंट को एंजॉय नहीं कर पा रहा, तो हम कैसे करें। पाकिस्तान का बच्चा बच्चा कल ये चाहता था कि ट्रॉफी एशिया में रहे, हर बंदा यहाँ पे यार, मुझे मैं कह रहा हूँ पाकिस्तान में से ना 90% बंदे ये कह रहे थे इंडिया जीते, जो 10% है ना वही सिर्फ ये कह रहे कि हाँ इंडिया हार गया खुश हो रहे हैं। लाइक हम भी चाहते थे कि यार इंडिया वर्ल्ड कप जीते, एशिया में रहे, 10% की वजह से ये गोरों से हमने जान छुड़ा के ना नहीं, और इंडिया जान छुड़ाएगा। 10% की वजह से ना हमारे दोनों के मुल्कों में ना इतलाफाक ना बढ़ते जा रहे हैं। मेरे ख्याल में विराट कोहली इस एरा का नंबर वन प्लेयर है, गोट है, और उसने वर्ल्ड कप जीता ना हो जीता, लेकिन हमारा दिल जीत लिया विराट कोहली ने इस वर्ल्ड कप में। इस तरह ना करो, एक स्पोर्ट्समैन की तरह उनको सपोर्ट करो, जिस तरह उन्होंने खेला है ना 10 मैच में, इस तरह को तुम लोगों की टीम भी नहीं खेल सकी जिस तरह के उन्होंने कर दिया। बिल्कुल यार, इंडिया वालों आप मैच वर्ल्ड कप बिल्कुल नहीं हारे हो, आप पूरी दुनिया को आपने ये बता दिया कि स्ट्रॉन्गेस्ट टीम कौन है, एक मैच का कभी भी कोई चीज को डिसाइड नहीं कर सकता कि इंडिया वर्ल्ड कप नहीं जीता, इंडिया हमारी तरफ से वर्ल्ड कप जीत गया हुआ है, वेल डन। मेरे ख्याल में काफी लोगों के जज्बात या इमोशंस जुड़े होते हैं इस चीज से, बिकॉज आप जब किसी को फॉलो करते हो, आप किसी के फैन बनते हो, तो आप उसको सिर्फ फिजिकली नहीं फॉलो करते, मेंटली भी आप उसे फॉलो करते हो, आप उसकी हर एक चीज देखते हो। तो मेरे ख्याल में राइट नाउ यही चीज चल रही है कि लोग अभी तक उस सदमे से बाहर नहीं आ पाए, ना विराट खुद नजर आ रहे हैं, तो आई होप सो कि आगे जितने भी आने वाले टूर्नामेंट्स हैं उसमें एक बार इंडिया फिर से बैकअप करे, और आई होप सो कि इस बार कुछ ना कुछ अच्छा देखने को मिले, बट वी स्टिल लव विराट कोहली। ये लेवल है हमारे ना किंग का, ये लेवल है, अगर वो कैप्टन नहीं आता भी उसकी मानी जा रही है, लेकिन विराट कोहली जैसा प्लेयर ना, मैं कहता हूँ कि आने वाली जनरेशन को मुझे नहीं लगता आगे 20-30 साल को भी ना ऐसा कोई प्लेयर उनको देखने को मिलेगा। सर, विराट कोहली के लिए कुछ अल्फाज जो आप कहना चाहें। यार विराट कोहली के लिए हम क्या कहें, विराट कोहली को सबसे पहले तो हमारा भाई सलाम है आपको, उसके बाद यार यकीन माने आपसे इतना प्यार है, इनके जब कभी भी हमें इंडिया आने का मौका मिला ना आके आपको जब फिट डाली है जोर वाली।